गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नाउ वेलकम टू स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट साइंस एंड लेसन है वन विद मैग्नेट। हमें मैग्नेट का मजा, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको टेक्स्ट बुक के फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू ऑफ फॉल्स ब्लैक बोर्ड पे लिखवाए थे और कुछ क्वेश्चन लेसन क्वेश्चन नंबर 3 तक। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 कंटिन्यू इन योर टेक्स्ट बुक के करवाने वाले हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपके टेक्स्ट बुक में कॉलम बने हुए हैं, ठीक है। तो कॉलम कॉलम 1 शोज डिफरेंट पोजिशन कॉलम 1 एंड 2, इसमें नॉर्थ टू नॉर्थ, फिर नॉर्थ टू साउथ, ये पोल है साउथ टू नॉर्थ एंड साउथ से साउथ। अब आपको बताना है इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है या अट्रैक्शन होता है। तो ये आपको पहले भी हमने बता रखा है कि नॉर्थ से नॉर्थ हो जाएगा, तो नॉर्थ से नॉर्थ को अगर पोल मिलता है तो वहां पर रिपेल हो जाता है, रिफ्लेक्शन हो जाता है, और नॉर्थ टू साउथ अट्रैक्शन, फिर उसके बाद साउथ टू नॉर्थ अट्रैक्शन एंड द साउथ टू साउथ, साउथ टू साउथ रिफ्लेक्शन। समझ में रिपल्सन हो जाता है इसमें,
रिपल्सन सीरीज में अट्रैक्शन होता है। इसमें भी अट्रैक्शन होता है। इसमें ओके यहाँ पे इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि कॉलम वन यानी कॉलम वॉल शोज डिफरेंट पोजीशन यानी डिफरेंट पोजीशन ऑफ मैग्नेट विच वन पोल ऑफ मैग्नेट मैग्नेट के वन पोल के सिचुएशन के बारे में पोजीशन बताया गया है एंड इट प्लेस नियर दैट ऑफ द अदर कॉलम सेकेंड कॉलम में एंड इंडिकेट द रिजल्टिंग आपको रिजल्टिंग बताना है कि एक्शन बिटवीन देम फॉर ईच सिचुएशन इस सिचुएशन में क्या एक्शन होता है एंड फिल इन द ब्लैंक्स। एक्शन क्या होता है तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि अगर नॉर्थ से नॉर्थ मिलता है तो हमारा रिफ्लेक्शन रिपल्सन होता है और नॉर्थ से साउथ मिलता है तो हमारा अट्रैक्शन होता है। साउथ से नॉर्थ पोल आता है तो अट्रैक्शन और साउथ से साउथ तो रिपल्सन। ओके क्वेश्चन नंबर 9 5 राइट एनी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट आंसर
राइट टू प्रॉपर्टीज यानी कि दो लक्षण प्रॉपर्टीज, मैग्नेट मैग्नेट की दो प्रॉपर्टीज यानी कि दो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं कि दो कैरेक्टर क्या है। पहला तो कैरेक्टर आपको पता ही, टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट आर एस फॉलोज। वन नंबर, अपोजिट पोल्स ऑफ टू मैग्नेट जितने भी तो ऑक्टेट ईच अदर। अगर अपोजिट पोल्स ऑफ मैग्नेट, ठीक है, अपोजिट पोल्स ऑफ मैग्नेट मिलेंगे तो अट्रैक्ट ईच अदर एंड टू मैग्नेट्स रिपल, और दोनों मैग्नेट्स के जो है पोल सेम होंगे लाइक से, तो वो वहाँ पे रिपल होगा ईच अदर, तो एक दूसरे को रिपल करेंगे। नाउ नंबर टू, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट इट ऑलवेज, अगर हम मैग्नेट का कॉम्पास को छोड़ दिया जाए तो पॉजिटिव हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में वो रहते हैं, ठीक है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बताते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर था। अब क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, the compass
also has a circular diameter. Direction Thank you.
ओके, बहुत बड़ा वाला सर है। नाउ लिसन प्रॉपरली, क्या क्वेश्चन पूछा है कि हाउ टू कंपास यू टू फाइंड डायरेक्शन, कैसे हम कंपास से डायरेक्शन फाइंड करते हैं। तो क्या आंसर, द कंपास आल्सो हैज अ सर्कुलर डायल विद डायरेक्शन मार्क, में सर्कुलर डायल जो होता है उसमें डायरेक्शन मार्क होता है कि दिस इज अ नॉर्थ, दिस इज अ साउथ, दिस इज अ ईस्ट, दिस इज अ वेस्ट। ओके, एंड मार्किंग अ कंपास इज यूजुअली अ स्मॉल बॉक्स, एक छोटे से बॉक्स में यूज करते हैं। मैंने आपको बोला आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स में भी देख सकते हो, ज्योमेट्री बॉक्स जो महंगा वाला आप ज्योमेट्री बॉक्स खरीदते हो उसमें ये कंपास होता है। ठीक है, एंड द ग्लास कवर्ड ऑन इट, उसके ऊपर ग्लास कवर्ड होता है। द मैग्नेटाइज्ड नीडल, जो उसके अंदर का मैग्नेटाइज नीडल होता है, इज पिवोटेड इनसाइड द बॉक्स, उसके अंदर बॉक्स के अंदर जो रहता है, मतलब जमा रहता है, वो निकलता नहीं है, ऐसे हिलता नहीं है, तो रहता है, एक जगह स्थिर रहता है। व्हेन कैन रोटेट फ्रीली, और जो वो रोटेट होता रहता है। टू कंपास इज कैप्ट एट द प्लेस वेयर वी विश, तुम जहाँ भी जाते हो, जहाँ भी बैठे हो वहाँ पे भी तुम उसका डायरेक्शन जा सकते हो कि इधर नॉर्थ और साउथ किधर है। विश टू नो तो द डायरेक्शन, आप कोई भी चाहते हो, इट्स निडल इंडिकेट द नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ साउथ एन और एस का मतलब नॉर्थ साउथ है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। व्हेन इट कम टू रेस्ट, जब वो रेस्ट ले लेते हैं, शांत हो जाता है, तो पता चल जाता है कि नॉर्थ और साउथ का है, नहीं तो वैसे वो घूमता रहता है। जब तो उसको नॉर्थ और साउथ का डायरेक्शन प्रॉपर नहीं मिल जाता है तो वो नीडल अपने आप हिलता रहता है, हिलता रहता है, हिलता रहता है, ये देखना है। एंड बट कम टू रेस्ट, तो द कंपास इज द रोटेट अंटिल द नॉर्थ साउथ मार्क, जब तक उसको नॉर्थ साउथ का मार्क नहीं मिल जाता है तब तक वो जो है हिलता रहता है। And the dial are at the two end of the needle. Thus we can find direction at any unknown place. कोई भी unknown place पे जाओगे तो आपको ये direction प्रेम से मिल जाएगा और पता चल जाएगा कि किस तरफ north है और किस तरफ south। Okay, now write them. लिख लीजिए इसको।